हेलो दोस्तों, शिशु का गोरा होना क्या माँ बाप पे निर्भर करता है या गर्भावस्था के दौरान उनको क्या करना चाहिए उस पे निर्भर करता है। हर एक महिला तो यही चाहती है कि उनका आने वाला शिशु गोरा हो, सुंदर हो, पर क्या ये संभव है दोस्तों? इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ दोस्तों। अगर आप इसका पालन करती हैं तो आपके शिशु का रंग भी गोरा होगा, सुंदर होगा और बुद्धिमान होगा। पहले कुछ मैं बेसिक बातें आपको बता देती हूँ। शिशु का रंग फेयर तभी होता है जब माँ बाप का रंग फेयर हो, क्योंकि यह माता पिता के जीन पर निर्भर करता है। पर कुछ मामले अपवाद हो सकते हैं, यानी कि एक फेयर कम्प्लेक्शन वाले का शिशु डार्क कम्प्लेक्शन का हो जाता है और एक डार्क कम्प्लेक्शन वाले कपल का शिशु फेयर कम्प्लेक्शन का हो जाता है। पर क्या शिशु गोरा पैदा होना आपके हाथ में है? तो मैं तो कहूंगी दोस्तों हाँ, ये आपके हाथ में भी है। आपका जैसा रंग है, अगर आपका रंग डार्क कम्प्लेक्शन का है तो आपके शिशु का रंग गोरा हो सकता है। आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। पर दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है जिनका फेयर कम्प्लेक्शन है उनका भी शिशु डार्क कम्प्लेक्शन का हो जाता है, तो आपको दोनों मामले में देखभाल करना बहुत जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान इन बातों का ध्यान रखती हैं तो आपका शिशु भी गोरा होगा, सुंदर होगा। गर्भधारण के तीसरे महीने के बाद प्रेग्नेंट महिला को अपने खान पान को बेहतर करना होगा। डॉक्टर से बराबर संपर्क में रहना पड़ेगा ताकि प्रीनेटल विटामिंस लेती रहें, आपको किसी चीज की कमी नहीं हो, आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं हो। क्योंकि पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी दोस्तों तो आपका शिशु गोरा नहीं होगा। इसलिए आपको हमेशा अपने खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ चीजों को और खाना पड़ेगा, जैसे कि नारियल। गर्भावस्था के दौरान नारियल का नियमित सेवन करने से आपका होने वाला शिशु गोरा पैदा होगा, क्योंकि इसमें वो सारे मिनरल्स होते हैं जो शिशु के रंग को गोरा करने में मदद करते हैं। आप इसके लिए नारियल पानी भी पी सकती हैं, कच्चा नारियल भी खा सकती हैं, सूखा नारियल भी खा सकती हैं। उसके बाद है सौंफ का सेवन। सौंफ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रेगनेंसी के दौरान महिला की पाचन क्रिया को बेहतर बनाने का काम करते हैं और इसमें शिशु के त्वचा को भी गोरा बनाने के गुण होते हैं दोस्तों। अगर आपका पेट साफ रहेगा, आप सही से खाना खा पाएंगे, तभी तो पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। तो सौंफ का सेवन आपको रोजाना करनी चाहिए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ जरूर चबाएं। उसके बाद दूध और केसर का सेवन। प्रेगनेंसी के दौरान दूध का भरपूर सेवन करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं दोस्तों, घी, पनीर, मक्खन, छाछ खूब सेवन करें, पर दूध और केसर का सेवन करने से शिशु का रंग गोरा होता है। तो रात को आप दूध में 4-5 रेसे केसर का डालकर जरूर पिएं, आपके शिशु का रंग साफ होगा। उसके बाद अनार का सेवन। अनार का सेवन करने से प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में ब्लड की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शिशु में भी रक्त की मात्रा पर्याप्त होती है और ऐसा करने से शिशु की रंगत में भी निखार आ जाता है, जिससे घर में पल रहे शिशु की खूबसूरती को बढ़ाने में मदद मिलती है और शिशु आपका स्वस्थ पैदा होगा। जब आपका शिशु स्वस्थ रहेगा तो शिशु आपका सुंदर भी दिखेगा और गोरा भी होगा दोस्तों। उसके बाद ड्राई फ्रूट का सेवन। गर्भावस्था के दौरान बादाम का सेवन जरूर करें, पर उसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 महीने तक आपको बहुत कम मात्रा में लेनी चाहिए। 3 महीने के बाद आप भीगे हुए बादाम, यानी शुरुआत में भी आपको भीगे हुए बादाम का ही सेवन करना चाहिए। अगर आप चाहती हैं आपके शिशु का रंग फेयर हो तो बादाम का सेवन और दूध का सेवन जरूर करें और ड्राई फ्रूट का सेवन आप करती रहें दोस्तों। नारियल पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं पहले भी बता देती हूँ, फिर से बता देती हूँ कि नारियल पानी में वो सारे तत्व होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आपके शिशु को गोरा बनाने का काम करते हैं, रंगत को निखारने का काम करता है। तो नियमित रूप से नारियल पानी का सेवन करें और कभी भी करें, यानी कि आप पहले महीने से 9वें महीने तक नारियल पानी का रोजाना सेवन कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स हैं
अपने खान पान का ध्यान रखती हैं, आप अपने डॉक्टर से मिलती रहती हैं, प्रीनेटल विटामिन्स ले जो डॉक्टर आपको सलाह देती हैं उसको मानती हैं, अपने खान पान का, अपने रूटीन का, अपने चेकअप का हमेशा ख्याल रखते हैं, ध्यान रखती हैं, तो आने वाला शिशु आपका गोरा ही पैदा होगा दोस्तों। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।